निवेदिता शुक्ला। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, ठीक वैसे वैसे ही सभी पार्टियों और नेताओं की जीत और हार को लेकर परेशानियां बढ़ती जा रही हैं और हर पार्टी मुखिया अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए काम करने लगा है। और आजकल बीजेपी यूपी में दोबारा 2014 दोहराने के लिए अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश करने लगी है। यूपी में सपा बसपा के गठबंधन से बिगड़े समीकरण और सभी राष्ट्रीय चैनलों के सर्वे से निराश यूपी के कार्यकर्ताओं को नई ऊर्जा और नई ताकत देने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह दिल्ली से लखनऊ पहुंचे और फिर कानपुर में बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं के साथ बात की और फीडबैक लेने के बाद स्टेज से कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरने का काम किया। एक कहावत के अनुसार सेनापति वही अच्छा होता है जो अपनी सेना को हमेशा जोश और नई मुश्किलों का सामना करने के बारे में बताए और जोश भरे कि आप हार नहीं सकते हैं। और अमित शाह ने ठीक वैसा ही किया। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि इस बार जीत ऐसी होनी चाहिए कि विरोधियों के दिल की धड़कनें तेज हो जाएं और उनके दिल दहल जाएं। इस बार हमें बीजेपी के लिए नहीं बल्कि भारत के लिए लड़ना है। उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ता इतनी मेहनत करें कि हम 80 में से 74 सीटें जीतकर केंद्र में फिर यूपी के बल पर ही नरेंद्र मोदी की सरकार बनाएं। बीजेपी बूथ लेवल कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाते हुए बीजेपी अध्यक्ष ने आगे कहा कि इससे पहले भी हमारे बूथ कार्यकर्ता बहुत से गठबंधन का सामना कर चुके हैं। कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश में एक गठबंधन बना था जिसे हमारे कार्यकर्ताओं ने ध्वस्त कर दिया। 2017 में यूपी के दो लड़के बीजेपी को रोकने के लिए इकट्ठे हुए थे, वो कुछ नहीं कर पाए, लेकिन आज फिर एक गठबंधन हुआ है। मोदी जी के बढ़ते हुए राजनीतिक प्रचार प्रसार को रोकने के लिए एक गठबंधन बना। आपको याद होगा विधानसभा के जब चुनाव थे तब भी यूपी के दो लड़के इकट्ठा आए थे, याद है या नहीं है? जरा जोर से बोलो, याद है या नहीं है? गठबंधन हुआ था या नहीं हुआ था? आज भी गठबंधन हुआ है। ये कहते हैं गठबंधन होगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। उस वक्त भी कहते थे हमारे केशव भाई भी उस वक्त कहते थे गठबंधन हो गया, मगर भारत माँ की जय के जयकार के साथ जिस वक्त भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बूथ के मैदान में उतरा, सारे के सारे गठबंधन के घर को ध्वस्त करकर 325 सीट ले। ये जो गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हुआ है वो गठबंधन अपराध और भ्रष्टाचार का गठबंधन है मित्रों, एक स्वार्थी राजनीति का गठबंधन। बीजेपी अध्यक्ष यही नहीं रुके और आगे महागठबंधन पर तंज कसते हुए कहा कि मैं पूछना चाहता हूं विपक्षी पार्टियों को, हमारी ओर से तो तय है भैया, एनडीए के नेता हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, हम जीते तो मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। आप बताओ आपका प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी कौन है? मालूम है आपको? मालूम है? और गठबंधन का कौन है? गठबंधन का कौन है? ऐसा नहीं है मैं बताता हूं कौन है। अगर गठबंधन की सरकार बनी तो कैसी सरकार बनेगी सुन लो भैया, सोमवार को बहन जी प्रधानमंत्री होंगी, मंगलवार को अखिलेश जी होंगे, बुधवार को ममता दीदी होगी, गुरुवार को शरद पवार जी होंगे, शुक्रवार को देवगुड़ा जी होंगे, शनिवार को स्टालिन बन जाएंगे, रविवार को देश छुट्टी पर चला जाएगा। वहीं बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि ये चले हैं गठबंधन बनाने, मैं उनको बताता हूं हमारे तो 4B है, 4B लेकर से होने वाले अक्षर है, 4B भाजपा के है, बढ़ता भारत बनता भारत। क्या 4B है जरा बोलो? बढ़ता भारत बनता भारत। फिर से बोलो क्या है? बनता भारत। और गठबंधन के 4B क्या है? बुआ, भतीजा, भाई और बहन। इसके आगे कुछ नहीं है, ये पूरी परिवारवाद की राजनीति अब देश में नहीं चल रही।
बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने अपने बूथ लेवल रैली में कार्यकर्ताओं को यह भी आश्वासन दिया कि बीजेपी राम मंदिर मुद्दे को लेकर क्या सोचती है। कांग्रेस के मित्रों की प्रेस कॉन्फ्रेंस राम जन्मभूमि के इश्यू पर अभिषेक मनु सिंह भी प्रेस कॉन्फ्रेंस ले। मैं इस मन से कांग्रेस के सारे नेताओं का आह्वान करना चाहता हूं कि श्री राम जन्मभूमि का नाम लेने का आपको कोई अधिकार नहीं है, कोई अधिकार नहीं। और सारे कार्यकर्ता सुन ले, मैं यूपी की जनता को कहने आया हूं कि श्री राम जन्मभूमि पर उसी स्थान पर भव्य से भव्य मंदिर जल्दी से जल्दी बने, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी कटिबद्ध। हमारा संकल्प है, केस जब भी चलने आता है एक कांग्रेस के वकील उसकी तारीखों में बदलाव कराते, केस को चलने नहीं देते। केस चलने आता है तो मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ इंपीचमेंट लेकर आते हैं, और जब इंपीचमेंट आती है तो केस की डेट पीछे चली जाती है। गुजरात का चुनाव आता है, कपिल सिब्बल कहते हैं 2019 के बाद केस को चलाओ। क्यों भैया सिब्बल, क्या डर है? मगर हमारे लिए चुनावी मुद्दा नहीं है मित्रों, राम जन्मभूमि न्यास की 42 एकड़ जमीन, राम जन्मभूमि न्यास की 42 एकड़ जमीन कांग्रेस सरकार ने अधिग्रहित कर ली। हम राह देख रहे थे केस की 4 साल से, हमें तो मालूम ही नहीं पड़ता कि केस क्यों नहीं चल रहा है, एक केस जल्दी चलना चाहिए। राम जन्मभूमि न्यास ने 42 एकड़ जमीन वापिस मांगी, हमने 42 एकड़ जमीन वापिस देने का फैसला कर सुप्रीम कोर्ट के पास आ गए। मैं उत्तर प्रदेश की जनता को कहने आया हूं, फिर एक बार मोदी जी को कमान थमा दीजिए, देश से कश्मीर से कन्याकुमारी और कटक से अटक तक पूरे देश से एक एक घुसपैठे को चुन चुन कर निकालने का काम एक भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मित्रों, ये उनके लिए घुसपैठिए, उनके लिए घुसपैठे वोट बैंक है, मेरे लिए देश की सुरक्षा का सवाल, देश की युवाओं की रोजगारी का सवाल है, देश के गरीब की भूख का सवाल है। ये सारे मसले घुसपैठियों के साथ जुड़े हुए, और मैं चाहता हूं कि चुनाव में जाने से पहले गठबंधन के सारे नेता एनआरसी के मुद्दे पर अपना रुख जनता के सामने स्पष्ट करें कि आप घुसपैठियों को रहने देना चाहते हो या नहीं चाहते, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। भाई जरा जोर से बोलो, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। कानपुर के निराला नगर के रेलवे ग्राउंड में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह 17 जिलों के 22,000 बूथ अध्यक्षों, 1,887 सेक्टर प्रभारियों, 208 मंडल अध्यक्ष और 35 विस्तारकों से सीधे रूबरू हुए। अमित शाह ने जो कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरी वो कितनी सफल होती है ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। फिलहाल अमित शाह की बात सुनकर कार्यकर्ता जोश से लबरेज होकर घर लौटे हैं। मोदी जी के बढ़ते हुए राजनीतिक प्रचार प्रसार को रोकने के लिए एक गठबंधन बना, आपको याद होगा विधानसभा के जब चुनाव थे तब भी यूपी के दो लड़के इकट्ठा आए थे, याद है या नहीं है? जरा जोर से बोलो, याद है या नहीं है? गठबंधन हुआ था या नहीं हुआ था? आज भी गठबंधन हुआ है। ये कहते हैं गठबंधन होगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, उस वक्त भी कहते थे हमारे केशव भाई भी उस वक्त कहते थे गठबंधन हो गया, मगर भारत माँ की जय के जयकार के साथ जिस वक्त भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बूथ के मैदान में उतरा, सारे के सारे गठबंधन के घर को ध्वस्त करकर 325 सीट ले गए। ये जो गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हुआ है वो गठबंधन अपराध और भ्रष्टाचार का गठबंधन है मित्रों, एक स्वार्थी राजनीति का गठबंधन।